दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच हुए बवाल मामले पर दिल्ली के वकीलों की हड़ताल शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी है। इस बीच तीस हजारी कोर्ट में पुलिस अधिकारियों पर हमले के दो नए वीडियो सामने आए हैं। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पार्किंग को लेकर वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। शुक्रवार को वकीलों की हड़ताल लगातार पांचवें दिन भी जारी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मना करने के बावजूद वकील हड़ताल पर अड़े हैं और वो आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच तीस हजारी कोर्ट में पुलिस अधिकारियों पर हमले के दो नए वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में वकील पुलिस अधिकारियों को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वो डीसीपी मोनिका भारद्वाज हैं। वकीलों ने बदसलूकी करने के साथ पत्थर और ईंटों से हमला किया। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही दोनों पक्षों से बैठकर आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए कह चुका है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस और वकीलों का टकराव जनता के हित में नहीं है। उधर इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि वो इस बारे में बार काउंसिल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखेंगी। हम सीपी दिल्ली को लिख रहे हैं एक लेटर और एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं कि जो भी लोग ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं इस वीडियो में, इनके अगेंस्ट एक सेपरेट एफआईआर की जाए और एक सेपरेट इंक्वायरी की जाए इंसिडेंट में, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि पढ़े लिखे लोग, एक ऑफिसर जो वहां पर सिचुएशन संभालने गई थी, उनके साथ इस तरह से बिहेव किया जाए, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की जाए, मैन हैंडल किया जाए, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और एक ऐसी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि बाकी लोग ऐसी हरकत करने से डरें।